मेरे चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और आज जो मैं दिखाने वाली वीडियो वो मेरी कमल के ऊपर है, जो लक्ष्मी माता जिस पर विराजमान होती है वो कमल है, जो पिंक कलर का होता है, डार्क पिंक। और उसी को आज मैं रिपोर्ट करूँगी और वो मैं आपको शेयर करूँगी। आइए इसमें कैसी सोयल बनाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। और ये मैं गमला लूँगी, ये पॉट्स है इस तरह का, इतना बहुत होता है। ये 8 इंची गमला है, एक ट्यूबर के लिए काफ़ी है। और इसमें सोयल जो होती है वो थोड़ी जैसे चिकनी वाली होती है, चाहे काली हो या लाल हो। जैसे हमारे कभी कभी नर्सरी से पौधे आते हैं तो उसमें भी कभी कभी आ जाती है। ये मेरी वही है जो प्लांट्स में आई थी, ये गुलाब में आई थी मेरी, और मेरे पास मिट्टी नहीं थी, ये चिकनी वाली, इसलिए मैं इसको लगा नहीं पाई, रिपोर्ट नहीं कर पाई। और मैंने इसी में ये रखा हुआ था इस पॉट में, टब में। आज मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। और ये वैसे तो ये सितंबर और अक्टूबर में लगा सकते हैं, अगर हम सितंबर में लगाते हैं तो इस पे दिवाली तक फ्लोवर भी आ जाते हैं, लेकिन ये अक्टूबर में भी लगाए जाते हैं। तो इसको आइए तैयार करते हैं मिट्टी। इसकी मिट्टी ये 50% हमें लाल या काली मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी, ये हमें चिकनी मिट्टी लेनी है। ये रेत लेना है, 2 पार्ट ये मिट्टी लेनी है और 1 पार्ट ये रेत जो होता है सैंडी सोयल ये लेंगे, और एक पार्ट ये जो भी आपके पास जैसे गोबर का खाद है या ये लिप्स का है ये वाला ले सकते हैं आप, या दोनों को मिक्स करते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। और इसको अब हम मिक्स करेंगे और फिर इसको हम गमले में डालेंगे। तो ये मिक्स कर दिया है हमने, और बाकी पानी में जाके जो इसके मोटे मोटे हैं ये सब घुल जाएंगे पानी में। और इसमें अब हम फंगीसाइड डालेंगे 1/2 चम्मच अंदाज से, ये हमने 1/2 चम्मच डाल दिया है अंदाज से। और इसमें आपके पास अगर नीम खली है तो आप 1 मुट्ठी नीम खली भी डाल सकते हैं और इसको मिक्स कर सकते हैं। और आपके पास अगर DAP है 1/2 चम्मच वो भी डाल सकते हैं। ये अब हम इसमें, ये मैंने गमला लिया है 8 इंची का, अब इसमें मैं ये लगाऊंगी। ये इस तरह का गमला है, इसके अंदर था ये फोल्ड और इसको मैंने बाहर कर लिया, फिर आपको बताऊँगी ये मैंने क्यों लिया है। अब हम इसमें इस मिट्टी को फिल कर लेंगे, ये हमने जो सोयल तैयार कर दी इसमें ये फिल कर लिया है, इसको भर लिया है हमने। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें धीरे इसमें पानी डालेंगे और उतना ही पानी डालेंगे हिसाब से जितना ये इसमें एब्जॉर्ब होगा। ये देखिए, अब इसको हम नीचे मिट्टी है उसको चलाते जाएंगे इस तरह, और बहुत सारा नहीं डालेंगे। और इसको अगर हम चाहें तो 10-5 मिनट इसको मिट्टी को और पानी को इसको रख दें, उसके बाद लगाएं, क्योंकि जो मिट्टी है ये मोटी वाली इसमें ये घुल जाएगी और ये अच्छी सी चिकनी मिट्टी बनके तैयार हो जाएगी हमारी, बिल्कुल एकदम स्मूथ चाहिए ये। अभी इसमें मिट्टी है नीचे, अभी धीरे धीरे इसको हिलाते जाओ। देखिए 1/2 घंटा हो चुका है और हमारी ये सोयल अच्छी सी स्मूथ और तैयार हो गई है। ये देखो कितना सुंदर प्यारी सी हो गई है, और मैंने 1/2 घंटा ही रखा है। ये देखो पास से दिखा दूँ कितनी सुंदर है, ठीक है ना। अब हम इसमें जो ये हमारे पास ट्यूबर है, अब इसको हम बड़े आराम से धीरे से रखेंगे, और इसको बहुत ये नाजुक होते हैं, इसको बड़े आराम से लगाना है हमने। थोड़ी सी इसमें जगह बनाएंगे और फिर इसको बीच में हम रख देंगे, सेट कर देंगे कुछ इस तरह, और इस तरह। और ये अब हम इसको बीच में रख देंगे, इसको थोड़ा धीरे से एक हाथ से मुझे इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि कैमरा भी मैंने पकड़ रखा है। अब मैं इसको ऐसे धीरे से इसको अंदर रख दूंगी, ऐसे ऐसे करके। और ये लिप्स जो है, अब हम इसमें पानी लगाएंगे तो अब बड़े आराम से लगाना है हमने, क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है, ये टूट सकता है। ऐसे करके इसमें ऊपर से हल्के हल्के हाथ से इसको मिट्टी से
ट्यूबर को ढक देंगे और ये अपना भी नीचे चला जाएगा। थोड़ा ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा क्योंकि ये ऊपर ही रहेगा, क्योंकि मिट्टी इसकी ये लुगदी जैसी है ना, तो ये मड में है इसलिए ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। और इसमें हम पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि ये हमारी पत्तियाँ अंदर डिब ना हो और ये अंदर ना जाए ट्यूबर। अब इसमें हम पानी डालेंगे, ये इसमें धीरे धीरे अगर हाथ लगा के डालो या कोई भी चीज़ लगा के डाल सकते हैं। मैं इधर किनारे पे इसको ऐसे डालूंगी, इसके सहारे से धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, ये कुछ इस तरह से इसी को मतलब इस ये ट्यूबर पे के ऊपर ना जाए जैसे, इस हिसाब से डालना हमने इस तरह बर्तन के ऊपर धीरे धीरे। हाथ लगा के भी डाल सकते हैं मगर मेरा हाथ खाली नहीं है इसलिए मैंने इसका सहारा लिया। ये जो किचन का वो होता है आइटम, चावल का और सब्जी का चलाने वाला, उसी का सहारा। बस इसमें हम क्या करेंगे, एक या डेढ़ इंच पानी रखेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा रखेंगे तो ये सारा घुल के और ट्यूबर जो है हमारा डूब जाएगा। बस इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, इतना बहुत है इसके लिए। और इसको जैसे ये डूब रहे हैं इसकी लिप्स, ये अपने आप ही बाद में ऊपर आ जाएंगे। ये देखो ये तो ऊपर है और इधर भी थोड़ा ऊपर, ये भी ऊपर है। और अब मैं इसको धीरे से, ये जो है मेरा ये डबल ये ऊपर का बॉर्डर है, इसको मैं अब मोड़ूंगी धीरे से। और इसके ऊपर से मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर से ये पत्तियाँ रख दूँगी इस तरह से, इसीलिए मैंने ये वाला चूज किया। अभी मैं करती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ। ये कमल लगकर हमारा तैयार हो गया है। ये पिंक डार्क है जिसपे लक्ष्मी माता विराजमान होती है। वो हमें क्या करना है, जो इसमें पानी, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या होता है, बीच बीच में इसमें मच्छर या मच्छर का लार्वा हो जाता है, मच्छर बैठता है तो लार्वा हो जाता है, तो इसको हमने बीच बीच में इसको धीरे धीरे से निकालना पड़ेगा और फिर इसमें नया पानी डालना पड़ेगा। और इसको हमें बिल्कुल सूखा नहीं रखना है, इसमें थोड़ा सा पानी एक इंच ज़रूर रखना है ताकि ये सूखे ना, नहीं तो सूख जाएगा पानी तो ये ख़राब हो जाएगा ट्यूबर इसका हमारा। बस यही करना है।